आप में से मुझे कोई ये बताएगा कि ट्रांसफर का मतलब एक सजा कैसे हो गया? एक आईएएस पति पत्नी और अपने कुत्ते के साथ एक ट्रैक पर घूमते हैं, उस गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपने पावर का ओवर यूज कर लिया था और अपने एथलीट से कहा था कि आप सभी बाहर जाइए क्योंकि मैं, मेरा कुत्ता और मेरी वाइफ तीनों साथ ट्रैक पर घूमेंगे। संज्ञान लिया, फोटो मीडिया में आता है, संज्ञान लिया सरकार ने, एक को सर को कर दिया लद्दाख में और मैडम को कर दिया अरुणाचल प्रदेश में, तकरीबन 3500 की दूरी पति पत्नी और कुत्ते की मुझे पता नहीं कितनी है। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पे कई सारे लोगों ने बहुत धन्यवाद देना शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बोला कि बहुत बढ़िया, सजा हो तो ऐसी हो। आप में से मुझे कोई बताएगा कि ये मतलब ट्रांसफर करने का मतलब सजा कैसे हो गया? आपको इस बात की गंभीरता आपको समझ में नहीं आ रही है? अगर आप इसको ना चाइना से जोड़ करके चीजों को अगर आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो सैनिकों का उत्साह बढ़ाते रहते हैं, उनकी वीर गाथाओं को बताते हैं, उत्साह जोश तमाम सारी चीजें की जाती हैं, और आप ये कह रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा आपने ट्रांसफर कर दिया, आपने सजा दे दी। ट्रांसफर का मतलब सजा कैसे हो गया साहब? अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में पहले से काम करने वाले जितने अधिकारी हैं, वहां पर काम करने वाले जितने सैनिक हैं, इस स्टेटमेंट के बाद उनका मॉरल डाउन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मतलब अरुणाचल प्रदेश में काम करने का मतलब पनिशमेंट कैसे होगा, ये आप मुझे बताइए। और इसी बात को मेन स्ट्रीम मीडिया में जितने भी अपोनेंट हैं, मेन स्ट्रीम अपोनेंट हैं, वो भी इस बात को उठा रहे हैं। अरे सजा तो तब होती ना कि जब आप उनको परमानेंट मतलब कुछ दिनों की छुट्टी पे आप भेजते। अब आप मुझे बताइए कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख आपने भेज दिया तो वहां पर उनकी सरकारी जो छूटें हैं उसमें कुछ कमी आएगी? सुख सुविधा में कुछ कमी आएगी? कुछ कमी नहीं आएगी साहब। पनिशमेंट कहा जाता है कि कुछ रियायतों को कम कर देना, छुट्टी पे भेज देना, उसको पनिशमेंट कहा जाता है। ट्रांसफर करने को पनिशमेंट नहीं कहा जाता। आप सबके दिमाग में आईएएस की जो एक इमेज है वो धाकड़ वाली, धाकड़ की तो 20 टिकट नहीं बिकती, जो एक इमेज है आपकी धौंस वाली, वो आपके मन में और पुख्ता हो जाती। देखो अपने पावर कितना ओवर यूज और ओवर डू करते हैं ये। अरे साहब सिर्फ यही तो करते हैं। पूजा सिंगल जैसे लोग तो भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचारी हैं। सोशल मीडिया पर मैम का आईएएस, इनका फोटो वायरल हो रहा है, पैर देखिए कीचड़ में सने हुए हैं। कितने साधारण तरीके से कीचड़ में, असम में अभी क्या कहते हैं, फ्लड आए हुए हैं, बाढ़ आई हुई है, वहां पर लोगों को राहत देनी है, खाना पहुंचाना है, लोगों के साथ रहना है, हिम्मत नहीं टूटने देनी है लोगों की, वहां पर ही आईएएस अधिकारी अपनी गाड़ी से उतर करके सीधे जाती है कीचड़ में और पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है और साथ बटाती है और कहती है कि मैं आप तुम लोगों के साथ हूं। कितना साधारण सा आपको दृश्य लग रहा होगा कि जैसे कि कोई घरेलू महिला हो या फिर कोई वहीं की कोई लेडी हो या फिर वहीं आस पड़ोस की कोई लेडी हो, इस तरह की आपको भावना आ रही होगी। लेकिन नहीं, इनका नाम कीर्ति है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एक आईएएस अधिकारी ऐसे भी होते हैं, आपकी निराशा आशा में बदल जाएगी इस फोटो को देखने के बाद। आपको ना बचना चाहिए। सजा और ट्रांसफर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, समझ में आ गया आपको? अरे चाइना इसी ताक में बैठा हुआ है साहब। नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करनी है तो अच्छी बात पे तारीफ करो ना, झूठ मूठ की तारीफ में आप तारीफ क्यों करते हो? चिकन नेक, समझ में आता है? अरे चाइना इसी ताक में बैठा हुआ है साहब। नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करनी है तो अच्छी बात पे तारीफ करो ना, झूठ मूठ की तारीफ में आप तारीफ क्यों करते हो? चिकन नेक, समझ में आता है? मऊआ मोइत्रा ने भी इस बात को उठाया था और अरुणाचल प्रदेश के मिनिस्टर है, उनसे कहा कि आपको विरोध करना चाहिए कि ट्रांसफर को सजा बताया जा रहा है, आप भी इसका विरोध कीजिए। आपको पता है कि अगर आपको ना, देखो पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर आपको तारीफ करनी है तो आप प्रधानमंत्री करो ना, मैं बताता हूं कैसे आप तारीफ करनी चाहिए आपको। बाकी तारीफ का काम भी था, चाइना मतलब गिद्ध की तरह भारत पर लगा हुआ है कि परेशान कर देना है साहब, कब्जा कर लेना है। चिकन नेक का आपने नाम सुना है, जो कि पश्चिम बंगाल से सीधा किसको जोड़ता है, नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स को जोड़ देता है, समझ में आ रहा है? 35 किलोमीटर का एरिया है उसके, थोड़ा सा अगल बगल में आप देखोगे तो आपको ना बांग्लादेश दिखाई दे जाएगा। चाइना ने सिंपल से जाकर के बांग्लादेश की शेख हसीना से बोला कि मैडम हमें ना इसके पास, आपके बांग्लादेश के पास ना हमें वो चाहिए, एक बॉर्डर दे दीजिए जहां पे सैन्य, अपने सैन्य को, जितने भी हमारे सैनिक है ना, उनके कट्टा प्रोवाइड करा दीजिए। मकसद था कि चिकन नेक बहुत पास में है, चिकन नेक से हम क्या करेंगे, हम चिकन नेक पे कब्जा कर लेंगे, साथ के साथ जो राज्य है ना सबको खत्म, मतलब भारत से अलग कर देंगे, ये चाल थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ वाली बात यह है कि शेख हसीना,
शेख हसीना जब भारत आती है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए। अरे जो बाइडन का अगर रिसीविंग कर रहे प्रधानमंत्री जाए तो बात आपको समझ में आती है। बांग्लादेश जैसे देश के लिए देश के प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाती है, शेख हसीना जी आइए मैडम हम आपको रिसीव करने आई है। शेख हसीना को बड़ा अच्छा लगा, चलो बहुत सम्मान बहुत इज्जत दी हमें प्रधानमंत्री ने। शेख हसीना प्रधानमंत्री के सारे आदर सत्कार से इतनी खुश हो जाती हैं कि वो दो बहुत अच्छे काम भारत के लिए करके जाती हैं। शेख हसीना भास वहां से बैठ करके चाइना फोन करते कि सर देखिए हम आपको ना कोई आपके सैन्य अड्डे नहीं प्रोवाइड कराने देंगे, हम बांग्लादेश के अंदर हम आपको बांग्लादेश की जमीन आपको नहीं देंगे कि यहां पर आप अपना सैन्य अड्डा बनाइए। साफ तौर पर चाइना से मना कर दी। चाइना बोला कि मैम हमारी तो आपसे बात हुई होगी अब नहीं। मोदी जी ने बोला कि मैडम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपसे। बोले कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मैडम? देखिए ऐसा कीजिए कि हमें ना एक सड़क बनाने दीजिए, पश्चिम बंगाल आपके बांग्लादेश से होते हुए आसाम की तरफ चली जाएगी। अगर चिकन नेक पे भविष्य में भी अगर हमला हो जाता है, अगर तोड़ने की कोशिश भी कर जाती है तो कनेक्टिविटी ना टूटे। और दूसरी बात, जब कभी भी भारत पर हमला होता है चाइना के द्वारा तो हमें इस सड़क का उपयोग करने देना, बस इतनी सी बात है। रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है साहब, ओरल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तीस्ता नदी का विवाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुलझाया था। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर बोला बांग्लादेश से कि हम आपको पानी नहीं देने देंगे। पीएम मोदी एक्शन में आते बोले मैडम राजनीति घरेलू कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की मत कीजिए। ममता बनर्जी ढीली पड़ती हैं, बोलते ठीक है सर जो आप कहें। तारीफ करनी है तो ऐसे तारीफ करो ना आप। ट्रांसफर को आपने सजा बता दिया, आपने सामने वाले का मोरल डाउन कर दिया। आपको यह बात समझ में नहीं आ रही कि ट्रांसफर करने का मतलब सजा नहीं होता है। सजा क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। चाइना ताक में बैठा हुआ है और हमारे वहां के अधिकारियों के आपने मोरल डाउन किए हुए, देश को कौन चला रहा है? इन नेता को नेता बनाने लायक हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने छोड़ा हुआ है। और आप समझिए इन साहब जो आईएएस हैं, जो आईएएस हैं इनका रुतबा दिल्ली में भले ही थोड़ा सा कम होगा लेकिन अरुणाचल प्रदेश में तो रुतबा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना। That's it, simple. बस लॉजिकल रही है और कुछ नहीं। आईएनआई न्यूज़ इंडिया सिर्फ इतना डिमांड करता है क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल आपकी चीज होनी चाहिए और आपके सेंसेस सारे के सारे काम करने चाहिए। किसी एक सेंस का काम अगर नहीं करेगा तो मेरा काम क्या होगा कि आपके सेंसेस को खोल के रख देना। That's it, simple. आपको फैक्ट मिलेंगे यहां पर। अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो कीजिए ना, किसने मना किया है, करें। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार। ध्यान रखिएगा ट्रांसफर करने का मतलब सजा नहीं होता, इसको भी ध्यान रख लेना। जय हिंद।